नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुदा बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। जीएसटी व्यवस्था को सरल बनाने की मांग को लेकर व्यापारी के शीर्ष संगठन द कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने 26 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है। इसी के साथ सड़क परिवहन क्षेत्र की सर्वोच्च व्यवस्था ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने कैट के समर्थन में इसी दिन चक्का जाम का ऐलान किया है। इसी वजह से 26 फरवरी को सभी व्यावसायिक बाजार बंद रहेंगे। 1500 जगहों पर दिया जाएगा धरना। जी हाँ, कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और जीएसटी परिषद के माल एवं सेवा कर के कठोर प्रावधान को समाप्त करने की मांग को लेकर 26 फरवरी को देश भर में 1500 स्थानों पर धरना दिया जाएगा। देश भर के सभी बाजार बंद रहेंगे और सभी राज्यों के अलग अलग शहरों में विरोध स्वरूप धरना का आयोजन किया जाएगा। सुबह 6 से शाम 8 बजे के बीच ट्रांसपोर्ट रहेगा बाधित। सभी राज्य स्तरीय परिवहन संघों ने भारत सरकार द्वारा पेश किए गए नए ई वे बिल कानून के विरोध में कैट का समर्थन किया है। ट्रांसपोर्ट के कार्यकालों को इस दौरान पूरी तरह बंद रखने की घोषणा की है। किसी भी प्रकार के माल की बुकिंग, डिलीवरी, लदाई उतराई बंद रहेगी। सभी परिवहन कंपनियों को विरोध के लिए सुबह 6 से शाम के 8 बजे के बीच अपने वाहन पार्क करने के लिए कहा गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुदर बुलेटिन। नमस्कार। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मरुधर बुलेटिन, क्योंकि जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी सुनता है मरुधर बुलेटिन।